हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेजिटेबल पूड़ा या चीला बनाने की एक इंटरेस्टिंग रेसिपी। ये पूड़ा या चीला खाने में तो टेस्टी होता ही है, हेल्दी होता ही है और इसको बनाना भी बहुत इजी है। तो चलिए जान लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या लेना है आपको इसको बनाने के लिए। सबसे पहले आपको चाहिए बेसन, 3 कप बेसन मैंने इसमें लिया है। देन आपको चाहिए 1 गाजर, बारीक हमने ग्रेट कर लिया है इसको। शिमला मिर्च चाहिए 1 बारीक कटी हुई, थोड़ा सा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 इंच जिंजर का मैंने पेस्ट बना लिया है, थोड़ा तेल चाहिए आपको, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 1 प्याज बारीक कटा हुआ हमें चाहिए। ये तो हुए इंग्रेडिएंट्स। हम जानते हैं मसाले कौन कौन से इसको बनाने में यूज होंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए नमक स्वाद अनुसार, सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी 1 पिंच आपको चाहिए, भुना हुआ जीरा पाउडर चाहिए आपको और लाल मिर्च चाहिए थोड़ी सी। तो ये तो हो गए इंग्रेडिएंट्स। अब जानते हैं हमारा चीला बनेगा कैसे, इसका प्रिपरेशन मेथड क्या है। तो सबसे पहले हमें बेसन में सूखे मसाले ऐड करने हैं, नमक, गरम मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और सूखा धनिया पाउडर मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। मसालों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए बेसन के अंदर और फिर हम बेसन को घोलेंगे। पानी को अच्छे से मिलाइए और बेसन का बैटर तैयार कीजिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कुछ भी लम्प्स इसमें ना रहे। ये देखिए हमारा बैटर तैयार है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। प्याज ऐड किया है मैंने, गाजर जो हमने ग्रेट करके रखी हुई थी, शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ, ये है ग्रीन चिली, जिंजर जो हमने ग्रेट करके पेस्ट बनाया हुआ था और हरा धनिया। ये वेजिटेबल्स ऐड हो गई हैं और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे पूड़े का बैटर तैयार हो जाए। ये देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी इसकी आएगी, ना ज़्यादा थिक है ये और ना ही ज़्यादा रनी है, बीच की कंसिस्टेंसी रखनी है। तेल को मैंने ब्रश कर लिया है अपने तवे पर और अब हम इसमें अपने बैटर को डालेंगे। बैटर को फैलाते वक्त ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, ये जो परत आप डालेंगे वो बहुत थिक नहीं होनी चाहिए, इसलिए अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेना है इस तरीके से। ये ऑलमोस्ट वन साइड से रेडी हो चुका है तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी पक जाए। थोड़ा सा ऑयल लगाया है मैंने अपर साइड पर, देखिए इस तरीके से मैंने इसे पलटा है, अब ये दूसरी साइड से पकेगा। एक बार और पलटा है मैंने ताकि ये प्रॉपर दोनों साइड से पक जाए और बेसन कच्चा ना रहे। अब हमारा पूड़ा तैयार है, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए पूड़े को आप ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं या फिर सॉस के साथ भी खा सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट में खाइए, एज अ स्नैक आप खा सकते हैं शाम को, बच्चों को बहुत पसंद आता है ये एंड बहुत हेल्दी भी है, इजी भी है बनाना और टेस्टी भी है। तो आप भी ये पूरा रेसिपी ट्राई कीजिए और आपको कैसा लगा मुझे बताइए। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आपके पास फिर आऊँगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि रोज़ मैं कोई ना कोई इंटरेस्टिंग रेसिपी अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय एवरीबडी।